हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लास। कैसे हैं? अभी आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, नहीं समझ में आया है, तो हम उसको जो है फिर से लेंगे, रिवीजन में फिर से लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है इंडिया लोकेशन। उससे पहले थोड़ी सी बात की जाए, कैसे हैं? ठीक है, घर पर सब ठीक है? मन लग रहा है, बड़ी एक्साइटमेंट होगी कि न्यू क्लास, वो भी इतनी लेट हो गई। अच्छा नहीं लग रहा बच्चों, हमें भी, क्योंकि अभी मुझे यही नहीं पता है किस किस बच्चे के पास आर्ट्स है। लेकिन बस मैं ये उम्मीद कर रही हूं कि जो जो चेहरे में देखती थी वो सभी मेरे पास आर्ट्स में होंगे। देखते हैं कौन मुझे मिलता है आर्ट्स में। अच्छा लगेगा आप लोगों को क्लासरूम में देखकर। भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जो है स्कूल खुले और हम सब जो है आपस में मिले। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया लोकेशन। आपने जो है 9th क्लास में भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन अभी भी जो है इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इंडिया नाम आता है तो मन में कितनी खुशी होती है, लगता है कि सब कुछ जो है हमें सुनने को देखने को मिल जाए इंडिया के बारे में। एक यूनिक कंट्री इन द वर्ल्ड, संसार में एक बहुत ही अनोखा देश, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना, चाइना के बाद दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। अगर हम एरिया की बात करें, टोटल एरिया 2.4% ऑफ द वर्ल्ड, बट 7th रैंक इन द वर्ल्ड। रैंक कौन सी है? 7th है। और मेरा भारत महान जगह जगह लिखा हुआ देखते हैं और साथ में सुनते हैं, अच्छा लगता है। उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, आपकी जो डीआर कूलर की कह लीजिए बुक या आपकी एनसीईआरटी की बुक कह लीजिए, उसमें बिल्कुल छोटा सा 2 पेज का है ये, लेकिन ये चैप्टर इतना बड़ा है कि पूरे साल आप इसको पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरा भारत महान, इसलिए। आप देखिए, आता है साइज एंड एक्सटेंशन। साइज एंड एक्सटेंशन क्या होता है कि जैसे मैंने आपको लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स बताए थे, आपको एक्सटेंशन में हमें पता चलता है कि इंडिया के कितने लैटिट्यूड्स हैं और कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब आप ये देखिए, ये मैप आप देख रहे हैं, आपके सामने मैंने एक मैप लगाया है। इसको अगर आप इस मैप को अगर आप देखें तो ऊपर जो है ये लिखे हुए हैं, ये देखिए, ये लॉन्गिट्यूड्स लिखे हुए हैं, हर मैप में लिखे रहते हैं। और इस तरह से जो इधर की तरफ लिखे होंगे, ये सारे के सारे लैटिट्यूड लिखे हुए होते हैं। बच्चों, बिना लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के कोई भी मैप नहीं बनता। जितने भी आप मैप देखेंगे सब में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स देखेंगे। अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया देखते हैं तो हमारा एक्सटेंशन होता है 8° 4' 37° 6' नॉर्थ। मींस भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। मैंने आपको बताया था इक्वेटर डिवाइड इन वर्ल्ड इंटू टू इक्वल पार्ट, वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सेकेंड इज साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये कैसे पता चले कि कौन नॉर्थ में है और कौन साउथ में है? तो जिन लैटिट्यूड्स के साथ क्या लिखा हुआ होगा, नॉर्थ यानी कि एन। और इसी तरह से अगर हम कौन से एक्सटेंशन की बात करें, भारत, ये तो मैंने आपको बताया, यहां से 8 डिग्री यहां से स्टार्ट होगा कन्याकुमारी से, और साथ में यहां 37° 6' पर नॉर्थ पर ये खत्म होता है इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। करीब करीब अगर मैं रफली कहूं तो ये 30 डिग्री हो जाता है। इसके बाद आता है इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल कहां से शुरू होगा? गुजरात से। बच्चों, जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड वाला वीडियो था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने आप बताया था आपको, हम ग्रीनविच के ईस्टर्न साइड है। कहां हैं हम? ग्रीनविच के ईस्टर्न साइड। ग्रीनविच मींस 0° प्राइम मेरिडियन, जहां से हम टाइम लेते हैं, जहां से वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दूसरा कौन सा है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो
गुजरात से स्टार्ट होंगी और ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कहां तक पहुंचती है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अब यहां पर ये देखिए मैंने ईस्ट लिखा है, ईस्ट मींस कहां है इंडिया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया की जो पोजीशन। अगर हम कहें कि कौन कौन से हेमिस्फीयर में है तो इंडिया दो हेमिस्फीयर में है, एक ईस्टर्न में और एक नॉर्दर्न में। नॉर्दर्न में कैसे पता चलता है, क्योंकि हम इक्वेटर से ऊपर हैं। और ईस्टर्न में कैसे पता लगता है, क्योंकि हम ग्रीनविच लाइन या प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? चलो तो अब हम चलते हैं इसकी लेंथ पर, इंडिया की लेंथ पर। अब देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये किसी भी मैप में जब हम डायरेक्शंस देखते हैं बच्चों, तो नॉर्थ एन जो होता है वो हमेशा सबसे ऊपर होता है, फिर उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है वो साउथ होता है, और राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है ये ईस्ट हो गया, और ये लेफ्ट हैंड साइड है वेस्ट हो गया। इस तरह से ये फोर मेन डायरेक्शंस मैंने लिए हैं, जिनको हम कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। वैसे टोटल डायरेक्शंस हम ज्योग्राफी में मैप बनाते वक्त 16 लेते हैं, 16 डायरेक्शंस पर बेस्ड होते हैं मैप्स। अब ये बहुत डिटेल की चीजें हैं, आगे हम सब ये पढ़ते रहेंगे, ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है। मैं फिर आपको बच्चों बता रही हूं कि ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है, सब बच्चों को पढ़नी चाहिए, और जिन बच्चों ने ज्योग्राफी नहीं भी लेनी है तो वो वीडियो जरूर देखें, जिससे उनको पता चले कि आगे ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ेंगे। बिना ज्योग्राफी के लाइफ नहीं है। आपको नॉर्थ में जाना है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी आपको पता ही नहीं चलेगा नॉर्थ कहाँ है, फिर क्या करोगे? आपका घर नॉर्थ में ना होकर थोड़ा सा ईस्ट की ओर है, आप किसको क्या बताओगे, ये नॉर्थ में है कि ईस्ट में? नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट में है, है ना मजेदार बात। चलो आगे चलते हैं। तो मैं बात कर रही थी लेंथ की, जो लेंथ हमारी कहां से कहां तक है, जो एक ये ब्लैक कलर की लाइन आप देख रहे हैं, ये है, ये हमारी लेंथ है। लेंथ हमारी है 3214 किलोमीटर। इसके बाद जो है हमारी विड्थ जो है वो ये वाली विड्थ है, ये वाली लाइन, ये हमारी है 2933 किलोमीटर। अब बच्चों देखो, अगर हम इंडिया का क्या देखिए, एक्सटेंशन कौन सा, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, तो दोनों करीब करीब 30 डिग्री में आते हैं, 29 पॉइंट कुछ है। इस हिसाब से जो इंडिया का लेंथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहां थोड़ा सा अंतर आ जाता है कुछ किलोमीटर्स का। आप देख रहे हैं कुछ किलोमीटर्स का अंतर है। अब ये कुछ किलोमीटर्स का अंतर क्यों आ गया, क्योंकि जो मैंने आपको वीडियो, प्रीवियस वीडियो दी थी, उसमें बताया था कि जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो सेमी सर्कल में होती हैं, और साथ में ऊपर जाकर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाकर ये पॉइंट में मिलती हैं सारी। तो जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड नॉर्थ की तरफ जाएगी या साउथ की तरफ जाएगी, उसका एरिया कम होता हुआ चला जाता है। क्लियर? इसलिए ये थोड़ी सी जो हमारी चौड़ाई है इसमें अंतर आ जाता है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कि हमारा जो लैंड एरिया है वो कितना है, हमारा जो पानी वाला हिस्सा है वो कितना, कोस्टल लाइन मींस वो हमारी कितनी है। अब मैप में अगर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं मैप आपको बताती हूँ, आपके पास जो भी मैप हो उसको बड़े ध्यान से आप देखिए अभी, ठीक है, वीडियो देखते देखते उससे भी आपको पता चलेगा। मैप बनाते वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। अब जैसे मैंने आपके सामने इस मैप को पूरा ब्लैक कर दिया है, तो ये इसकी ओरिजिनल बाउंड्री नहीं है, ये मेरे द्वारा बनाई गई बाउंड्री है। ओरिजिनल बाउंड्री कौन से मैप में है, इस मैप में ओरिजिनल बाउंड्री है। अब आप देखेंगे जो कोस्टल लाइन है, जो गुजरात से शुरू होकर वेस्ट बंगाल पर खत्म हो रही है, ये सारी डार्क है, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक उस मैप में देखेंगे तो डार्क है, लेकिन गुजरात के इस हिस्से से लेकर और कहां तक, ये त्रिपुरा के इस हिस्से तक अगर आप देखेंगे तो ये सारी टूटी हुई है। टूटी हुई मतलब ये कन्वेंशनल साइन होते हैं जो कि हमें मैप बनाते वक्त ध्यान में रखने होते हैं। क्लियर हुआ बच्चों?
वैसे भी ज्योग्राफी में आपको फ्री हैंड अगर मैप बनाना आता है तो वो आपकी सुविधा के लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी स्किल है, आपका एक्स फैक्टर है, आपको बनाना आना चाहिए। लेकिन मैप हमेशा स्केल पर बनता है बच्चों, फ्री हैंड नहीं बनता है। जो आप पेपर में मैप यूज करेंगे वो हमेशा या तो स्टेंसिल वाला यूज करेंगे या पेपर पर जो मैप होगा वो आप यूज करेंगे। फ्री हैंड मैप जो है वो नहीं चलते हैं एग्जाम में, क्योंकि उनकी कोई स्केल नहीं होती है। मैप की स्केल होती है, स्केल का मतलब क्या होता है कि जो लैंड एरिया है वो कितने किलोमीटर को हम कितने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके फिर शो कर रहे हैं, ये होती है स्केल। तो यहां हम बात कर रहे थे कि हमारे पास लैंड एरिया बाउंड्री जो है, हमारी लैंड बाउंड्री कितनी है। अब उससे पहले हम बात करेंगे किसकी लेंथ और विड्थ की, कर चुके हैं तो एरिया की। इंडिया का टोटल एरिया 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और बच्चों इसमें से अगर हम चाइना और पाक ऑक्यूपाई को निकाल देते हैं तो हमारे पास एरिया बचता है 31.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसमें से हमारे पास जो लैंड बाउंड्री है, जिसको हम लैंड एरिया तो नहीं कहेंगे, लैंड बाउंड्री कहेंगे, जो हमारी लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। हाउ मच? 15,200 किलोमीटर है। और इसके बाद जो हमारी कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन बच्चों में फिर आपको बता रही हूं, यहां गुजरात से शुरू होती है, गुजरात से शुरू होकर ये वेस्ट बंगाल तक जाती है। ये वाली अगर मेन लाइन वाली जो हम कोस्टल लाइन लेते हैं, ये है 6,100 किलोमीटर। इफ वी इंक्लूड अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप देन इट इज 7,517 किलोमीटर। आई एम रिपीटिंग, मेनलैंड कोस्टल लाइन हमारी कितनी है? 6,100 किलोमीटर। बट इफ वी इंक्लूड अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप देन इट इज 7,517 किलोमीटर। तो आप देखिए हमारे पास कितनी बड़ी कोस्टल लाइन है। अगर इंडियन ओशन की बात करें हम, तो इंडियन ओशन में किसी के पास भी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी की इंडिया के पास है। इसीलिए ये हिंद महासागर कहलाता है, इंडियन ओशन कहलाता है। इज इट क्लियर टू ऑल? यस। इसके बाद बच्चों थोड़ा समय जो है आपको, थोड़ा समय आपको बताऊंगी इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बारे में। ये एक मैप मैंने आपके सामने लगाया हुआ है, इसमें जो है हमारे पास पहले 29 स्टेट्स थे, लेकिन आप सबने अभी बड़े जोर शोर से देखा होगा मोदी जी ने इनको कितना कर दिया, 29 से कितने स्टेट हो गए हमारे पास, 28। अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा, उसकी दो यूनियन टेरिटरी बना दी गई हैं। कितनी टेरिटरी? दो यूनियन टेरिटरी। और हमारे पास जो पहले 7 यूनियन टेरिटरी थी वो 9 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं। अब कितनी यूनियन टेरिटरी हो गई है? 9। देखिए ये पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है जो अभी लेटेस्ट है हमारे पास। तो हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो 28 हैं और यूनियन टेरिटरी 9 है। इसमें अगर एरिया वाइज हम बात करते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा एरिया वाइज स्टेट कौन सा है, तो है राजस्थान। दिस इज द राजस्थान। और अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट, तो हमारे पास कौन सा होगा? गोवा। इसी तरह से हम पॉपुलेशन वाइज भी स्टेट को पढ़ते हैं, तो पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? यूपी। दिस इज द यूपी। और पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट कौन सा है? सिक्किम। दिस इज द सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है और यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। बच्चों ये थी कुछ स्टेट्स के बारे में जानकारी। और स्टेट्स में तो दुनिया भर की जानकारी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेट्स हैं कि किस स्टेट के साथ सबसे ज्यादा इंटर स्टेट बाउंड्री लगती है, कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा स्टेट्स को आपस में कवर करता है। सॉरी
दूसरा जो है क्या है कि अल्फाबेटिकली इनको हम ले सकते हैं कि किस अल्फाबेट से सबसे ज्यादा स्टेट है। उसके बाद इनको लर्न करना तो बहुत इजी है। कैसे? अभी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी या नेक्स्ट टाइम क्लासरूम में बताऊंगी, पहले भी आपको बताया गया होगा। मित्र अत्रा मुझसे कहते हैं, मैं अपने 6 बागों में आम की उपज उगाऊं, इसमें हमारे सारे स्टेट्स आ जाते हैं, इसमें 2 यूनियन टेरिटरी भी आ जाए, 1 यूनियन टेरिटरी भी आएगी बच्चों, जो कि पहले क्या था, स्टेट था, जम्मू कश्मीर भी आ जाएगा इसमें। इसको हम फिर डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बहुत इजी है, बहुत इजी है, और फिजिकल ज्योग्राफी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत, जिसको मैं कहूं। अब आता है इंडिया इन द ईस्टर्न वर्ल्ड। इंडिया इन द ईस्टर्न वर्ल्ड, ईस्टर्न वर्ल्ड क्यों यूज किया गया है कि भारत, मैं फिर आपको बता रही हूं कि भारत जो है ईस्टर्न गोल हेमिस्फीयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध में है, और भारत की एक बहुत अच्छी स्थिति है ईस्टर्न, उसमें आप देखें तो। अब इस मैप में आप देखिए, ये इंडियन ओशन आप देख रहे हैं बच्चों। अगर मैं इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन आपको बताती हूं, तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इसका 40 डिग्री, यानी कि जहां से 40 डिग्री लॉन्गिट्यूड शुरू होती है वहां से ये शुरू होता है, और कितने पर खत्म होता है, 120 पर। कितने पर खत्म होता है, 120 पर, 40 से लेकर 120 पर खत्म होता है, और इसका जो मिड पॉइंट होगा वो 80 डिग्री होगा। निकाल के देखिए आप, 40 और 120 का मिड पॉइंट कितना होगा, 120 का और 40 के बीच का जो मिड पॉइंट होगा 80 होगा, और जो कन्याकुमारी है वो 80 पर है, 80 डिग्री पर है। इट मींस इंडिया डिवाइडेड इंडियन ओशन इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, ये वाला बे ऑफ बंगाल हो गया आपका, और दिस इज द अरेबियन सी, नीचे आपका इंडियन ओशन है, कन्याकुमारी जहां पर है वहां पर तीनों आपस में मिलते हैं। अगर आप कभी घूमने जाएं तो आप देखेंगे आपको अलग अलग तरह का पानी वहां पर दिखाई देता है, और साफ पता लगता है कि यहां पर 3 तरह का पानी है। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग प्लेस होगा वो, और जहां पर 3 ओशन आपस में मिलते हैं, और इंडिया की लोकेशन देखिए आप इंडियन ओशन में, इसी तरह से इसको इंडियन ओशन कहा जाता है, इंडिया के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है, हिंदुस्तान, हिंद महासागर, वास्तव में हिंद का महासागर है। क्यों है? अब आप ये देखिए यहां पर 6100 किलोमीटर लंबी लाइन, कोस्टल लाइन किसी भी अन्य देश के पास नहीं है इंडियन ओशन में, डिवाइड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, और इसमें हमारे 2 को क्या है, 2 आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। और अगर हम देखें ना, दूर दूर तक हमारे कोई पड़ोसी देश भी नहीं है, एक श्रीलंका को छोड़कर, समुद्री पड़ोसी देश, सारा भारत का कब्जा है। और भारत के कितने पर कब्जा है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय रूल है, उसके बाद ये इंटरनेशनल प्रॉपर्टी में चला जाता है, रिसोर्सेज में चला जाता है। हमारा जो इस पर एरिया है वह 12 नॉटिकल माइल्स का है, जो कि करीब करीब 21.9 किलोमीटर बन जाता है सी में, ये हमारा है, इसमें किसी का भी राज नहीं है, हमारा अपना खुद का राज है, इसलिए भी भारत को यूनिक कहते हैं। अगर इंडियन ओशन में इसको देखेंगे ना बच्चों, इसके मैप को अगर आप गौर से देखें, कितना सुंदर लगता है इंडिया हमारा, एक अलग से खड़ा हुआ, एक इतना अच्छा अस्तित्व लिए हुए दिखाई देता है आपको, और इसलिए सबको इंडिया से प्यार है, इंडियंस को ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इंडिया की धूम मची हुई है आजकल तो, और तो इसलिए ईस्टर्न वर्ल्ड में इंडिया की बड़ी धूम है। हमारे जो पड़ोसी देश है बच्चों, उसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले द इंडियन सब कॉन्टिनेंट लेंगे हम। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मीन्स क्या है यहां पर, के जो है इंडिया को उप महाद्वीप क्यों कहा जाता है। एक होता है महाद्वीप, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बहुत सारे देश उसमें शामिल होते हैं, उसका अपना एक पॉलिटिकल मैप होता है, लेकिन इंडिया को भी सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है,
अगर हम इसकी लोकेशन को देखेंगे बच्चों, मैं बार बार कह रही हूं यूनिक लोकेशन। यूनिक लोकेशन मीन्स कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां हिमालयन माउंटेन है ये सारा, जो कि हमें सेंट्रल एशिया से अलग कर देता है। और साउथ में आप देख रहे हैं ये सारा इंडियन ओशन है, कोई कंट्री नजदीक नजदीक नहीं है, सिर्फ हम ही है। इसके बाद आप बच्चों आप ये देखिए, इससे पाकिस्तान से यहां पर थार का डेजर्ट अलग करता है, और कच्छ की दलदल, रन ऑफ कच्छ जिसको कहते हैं, और इधर सारा का सारा हमारा हिमालयन माउंटेन, जिसमें ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक रेंज सब आएगा। फिर इधर हमारा कौन सा अलग करता है हमें, पटकाई, लूशाई, नागा, मिजो, गारो, खासी, जयंतियां हिल्स करती हैं हमें। और इस तरह से एक यूनिक पोजीशन लोकेशन होने के कारण से इंडिया सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। और इसको सब कॉन्टिनेंट का दर्जा साथ में कौन देता है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बांग्लादेश जो कि खुद इसकी बाउंड्री में है, इसलिए इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। बच्चों हमारे जो है पड़ोसी देश है उनको हमने याद रखना है। एक बहुत ही इजी तरीका मैंने आपके लिए निकाला है इसके लिए ना, हमारे नेबर्स के लिए आप कैसे याद करें, बचपन, अभी भी आपका बचपन ही है, याद रहेगा ये वर्ड, बचपन से MBA, बचपन से MBA, MBA सभी ने सुना है क्या होता है, मास्टर डिग्री होती है, किसमें, बिजनेस मैनेजमेंट कह लीजिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, उसमें होती है। अब बच्चों देखो ये कैसे याद करोगे, बैच है, पेन है, से MBA, बै से बन गया बांग्लादेश, जैसे चाइना, पैसे पाकिस्तान, ने से नेपाल, से श्रीलंका, मैं से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। क्लियर हुआ बच्चों, ये हमारे पड़ोसी देश हैं, इनको हमें हमेशा याद रखना है, कभी भी नहीं भूलना है, ठीक। इसके बाद बच्चों हमारे दो समुद्री पड़ोसी देश हैं, जिसमें से एक तो इसी में शामिल है, कौन सा, श्रीलंका, जो कि सबसे नजदीक का पड़ोसी देश है हमारा, क्या है, सबसे नजदीक का पड़ोसी देश है। फिर मालदीव है, वैसे अगर अंडमान निकोबार के पास कहेंगे तो हमारा पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। बच्चों आज जो मैंने जानकारी दी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। एक बार मैं फिर से बता दूं, आज हमने जो टॉपिक किया इंडिया लोकेशन, एक बहुत छोटा सा पार्ट किया है इसका, बहुत छोटा सा मैं कहूं, लेकिन आपके बुक का ही पूरा कवर हो गया। लेकिन अभी हम इसको एक और उसमें करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन में लेंगे, थोड़ा सा न्यू टॉक्स कुछ हैं, थिंग्स कुछ हैं, बातें जो हैं मैंने आपको बतानी है इंडिया से रिलेटेड, वो सब इसमें आएंगी। अभी कुछ स्टेट्स की बातें रह गई, कुछ पड़ोसी देशों की बातें रह गई हैं, कुछ इसका और लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स की बातें रह गई हैं। यहां मैंने एक लाइन और लगाई हुई है इस मैप में, ये देखिए, जब हम लैटिट्यूड की बात कर रहे थे इंडिया का, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, तो उसमें 82.5, दिस इज द IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, इसको इंडिया की प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, और ये 82.5 से है, इंडिया को टू इक्वल पार्ट्स में बांट देती है, ये जो है ईस्टर्न पार्ट हो जाता है और ये इसका वेस्टर्न पार्ट हो जाता है। बच्चों इसको बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आगे इसमें से एक क्वेश्चन आपके पास आता है, एक सम आता है करने के लिए, टाइम निकालने के लिए आता है, अगले वीडियो में हम वही लेंगे। आज के में आपने पढ़ा कि कितनी लेंथ है, कितनी ब्रेथ है, यानी कि विड्थ है इसकी, और जो है हमारे पास लैंड बाउंड्री कितनी है, हमारे पास ओशन बाउंड्री, कोस्टल लाइन कितनी है, लैटिट्यूड्स कितने हैं, लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, स्टेट्स कितने हैं, कैपिटल कितने हैं, हमारे जो है पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इंडिया को जो इंडियन ओशन है उसको वास्तव में हिंद महासागर क्यों कहा जाता है, हिंदुस्तान का महासागर क्यों कहा जाता है, ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया, लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान को बताया, स्मॉलेस्ट स्टेट मैंने गोवा को बताया। ये सब ना छोटे छोटी बातें आपने किसमें लिखनी है, अपने रजिस्टर में, एक रजिस्टर बनाना है जो कि आपके सालों साल काम आएगा। बच्चों जब आपकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी तब भी ये चीजें काम आएंगी। फिजिकल ज्योग्राफी ने कभी नहीं बदलना, थोड़ा सा चीजें बदलती हैं, बहुत ज्यादा नहीं बदलती हैं फिजिकल में,
फिजिकल क्या मैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहूंगी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी चेंज हो जाती है, जैसे कि स्टेट चेंज हो गए, 29 से 28 हो गए, और ये 30 भी हो सकते हैं कभी, ठीक है, और ज्यादा जा सकते हैं, यूटी चेंज हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, ये सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स एरिया ये सब चीजें कम नहीं हो सकती हैं ना ज्यादा हो सकती हैं, ये वहीं की वहीं रहेंगी, स्टेट्स के नेम वहीं की वहीं रहेंगे। बाय द वे पॉलिटिकल ज्योग्राफी में मैं आपको बता रही हूँ थोड़े से चेंजेस आते रहते हैं, इंडियन ओशन वहीं रहेगा और हम भी यहीं रहेंगे, तो इसलिए इन चीजों को एक बहुत सुंदर से रजिस्टर में विद मैप, यहां मैंने आपकी सुविधा के लिए सारे स्टेट्स भर दिए हैं। अब आपके होमवर्क में ये है कि इनकी जो कैपिटल है वो दूसरे मैप में आप भरेंगे, थर्ड मैप जो होगा उसमें आप यूनियन टेरिटरी भरेंगे, फोर्थ मैप जो होगा उसमें आप ये वाला मैप भरेंगे, फिफ्थ मैप जो होगा आपका उसमें आप राजस्थान गोवा यूपी और सिक्किम को भरेंगे। आज के लिए इतना ही होमवर्क बहुत है, और बच्चों बहुत मन लगा के आपने ज्योग्राफी पढ़नी है, आपको बहुत मजे आएंगे। थैंक यू।